पोस्टर है? हाँ वही पोस्टर है जो फाड़ा गया है रात को, वही पोस्टर है ये। ये कब लगाया गया था? कल शाम को 8 बजे रात को। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई विरार महानगर पालिका के गार्डन के बाहर। ये एरिया साईनगर का क्षेत्र है और साईनगर में ये गार्डन के बाहर आप देख सकते हो हमारे पीछे एक जो बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड है हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, उनको हार्दिक बधाई देने का, अभिनंदन देने का। अब कुछ समाज कंटकों द्वारा इस बोर्ड के ऊपर किस तरह से प्लेट चलाई गई है वो आप देख सकते हो। एक किन समाज कंटकों का ये कृत्य है ये अभी पता नहीं चल पाया है, अभी उसकी इंक्वायरी जारी है। लेकिन इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मणिकपुर पुलिस स्टेशन में जाकर एक निवेदन पत्र पुलिस को दिया है, पुलिस इस पर जांच करेगी। प्रथम महिला जो कि समय आप है और प्रथम आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है। राष्ट्रपति के पद की एक गरिमा होती है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, ये असामाजिक कृत्य करने वाले इंसान ने किस तरह से ब्लेड मारकर अपनी मानसिकता का यहाँ प्रदर्शन किया है। आप देखिए, ये बोर्ड को पूरी तरह से फाड़ा नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के फोटो को ही ब्लेड मारी गई है, बाकी वहां पर फोटो सलामत है। तो कहीं ना कहीं ये संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता ये चित्र है और वसई में इस तरह की ये घटना घटी है। अमूमन वसई ऐसी घटनाओं से परे रहता है, लेकिन आज ये जो घटना वसई में घटी है, इसके बाद कहीं ना कहीं वसई का नाम भी इस क्षेत्र में असामाजिकता के नाम में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब पुलिस प्रशासन जरूर इस कृत्य करने वाले आरोपी को पकड़ेगी और जो भी उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही बनती है वो करेगी, इसी उम्मीद है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या विषय सर यहाँ पुलिस स्टेशन में जमा हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी का वसई साईनगर का कार्यकर्ताओं ने एक बैनर लगाया था कि नवनीत राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को शुभेच्छा देते हुए उधर एक बैनर लगाया था साईनगर मैदान का बाहर जो जगह पर, वो किसी ने रात को फाड़ दिया। और खास बात है कि कल ही राष्ट्रपति का ही फोटो पर ये देखो ब्लेड मारा है पूरा, तो ये सरासर गलत है, इसी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मणिपुर पुलिस स्टेशन में आया, अभी साहब आ रहे हैं, साहब को ये निवेदन देना है और उधर आजू बाजू का सीसी कैमरा चेक करके जो भी लोगों ने एक कृत्य किया उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हमारा डिमांड है। पर आप में कई लोग वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस? अभी ये जो है ये गलती कर रहे हैं, हर टाइम ऐसे ने ऐसे कोई ने कोई बैनर पे कभी चेक्स मारते है कभी फाड़ते है, तो कौन कर रहा है मालूम नहीं। अभी सीसी फुटेज से मिल जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन है। इसके पहले भी 2-3 बार हो चुका है ऐसी जगह पे, आपके माहौल बिगाड़ रहे हैं लोग। प्रशासन से क्या मांग है? उसमें पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।